ऑपरेशन प्रहार के तहत बेगमगंज पुलिस ने पकड़ा गांजा और शराब, अपराधियों में मचा हड़कंप। नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री के कड़े एक्शन के बाद पूरे प्रदेश में ही पुलिस नशा माफियाओं को ऑपरेशन प्रहार के तहत पकड़ने में लगी हुई है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाल, एडिशनल एसपी अमृत मीणा, एसडीओपी सुनील कुमार बरकड़े के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बेगमगंज राजपाल सिंह जादौन और उनकी टीम द्वारा वीरपुर और उसके आसपास के ग्रामों में छापामार कार्रवाई करते हुए चार स्थानों पर गांजे के पेड़ जब्त कर अवैध शराब पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बता दें कि पुलिस ने खेतों में जाकर चार जगह से गांजे के पेड़ सहित आरोपियों को पकड़ा है, जिन पर मामला दर्ज किया गया है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार मादक पदार्थों की विक्रेताओं हैं उन पर कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिन पर पुलिस टीम बनाकर पिछले तीन दिन 11, 12 और 13 तारीख के अंदर 10 अवैध शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई है, जिनसे कुल 205 क्वार्टर शराब जब्त हुई है। इसी प्रकार अवैध गांजा बेचने वालों पर कुल 4 लोगों पर कार्रवाई हुई है, इनके पास से लगभग 320 ग्राम गांजा जब्त हुआ है और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। सर, एक दिन में पकड़े गए ये अलग अलग? हाँ, ये पिछले कल में जो है 4 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं और अवैध शराब के खिलाफ भी 4 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, बाकी आज भी कुछ प्रकरण पंजीबद्ध हो रहे हैं। ऑपरेशन प्रहार के तहत है जी, नशा के खिलाफ एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत कार्रवाई। कुल कितने ग्राम पकड़ा गया? अभी ये ऑपरेशन के दौरान 3 किलो 320 ग्राम गांजा जब्त हुआ। कितने लोगों? 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की।